हेलो एवरीवन, एक बार और आप सभी को एक स्वागत है मेरे आपके इस यूट्यूब चैनल वाइल्डी फिक्स क्लासेस पे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे। बताइए अपना हाल चाल कि कैसे हैं आप लोग, अपना बताइए कि पढ़ाई का लेवल कैसा चल रहा है। एक बार और छोटे से गैप के बाद यूनिट नंबर 9 क्लास 12th का यूनिट नंबर 9, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, यूनिट नंबर 9 जो कि नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, 7 नंबर का है। नंबर पे बिल्कुल मत जाइएगा, एक नया यूनिट स्टार्ट होने वाला है। नॉलेज पे फोकस कीजिए, जितना ज़्यादा नॉलेज होगा नंबर उतना ही ज़्यादा आएगा। राइटिंग स्किल्स भी मैटर करता है, ठीक है, ये सब सारा चीज़ पे बात होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्लास 12 फिजिक्स यूनिट नंबर 9 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, या नाम होता है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये यूनिट वेटेज की दृष्टि से देखिएगा तो 7 मार्क्स का होता है, मतलब इतना समझो कि फिजिक्स टोटल थ्योरी जो होता है वो आपका होता है 70 मार्क्स, और 70 में से 7 इट मींस टू से दैट 10% ऑफ फिजिक्स ये अकेले कवर करता है। आगे की पढ़ाई के लिए सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोई भी बच्चा यदि इंजीनियरिंग करना चाहता है इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेमीकंडक्टर का आज बच्चों इंट्रोडक्शन है, जानिए कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, कितने टॉपिक्स हैं, कितने दिन लगेंगे। तो देखिए कितने दिन लगेंगे ये तो अभी डिसाइड नहीं किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि लेक्चर कितना लंबा चलता है। तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर पर बताना चाहता हूं कि ये एक बहुत ही ईजी यूनिट है। यदि आप वीडियो को एकदम लास्ट तक देखेंगे, जब तक मैं वीडियो अपलोड करूंगा इस टॉपिक पे, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि यदि आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करो जल्दी से, और बेल आइकन को प्रेस करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, चैनल जितना बड़ा करोगे उतना ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा। आपका चैनल है, मेरा चैनल है। तो सेमीकंडक्टर में नॉर्मली हम लोग सबसे पहले इसका डेफिनेशन के बारे पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के बारे पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं, उसके बाद पीएन जंक्शन पढ़ेंगे, कितने तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप, पेन टाइप, पीएन जंक्शन, बायसिंग पढ़ेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। सुन के अजीब लग रहा होगा कि एक भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, रुको जरा, सबर करो, सब समझ में आएगा, चिंता मत करो, ये सब नाम बस बता दे रहे हैं, ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। लेकिन कुछ टॉपिक जो तुमको बिल्कुल समझ में आएगा, इसमें एक दिन हम लोग पढ़ेंगे LED, वही जो आपके घर में जलता है LED, लाइट इमिटिंग डायोड। उसके बाद पढ़ेंगे फोटो सेल, सोलर सेल, रेक्टिफायर, और गेट्स के बारे पढ़ेंगे, लॉजिक गेट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स के बारे पढ़ेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ये टॉपिक। उसके बाद ट्रांजिस्टर के बारे पढ़ेंगे, ये बहुत ही अच्छा सा यूनिट है, बहुत नॉर्मल सा यूनिट है, इंटरेस्टिंग यूनिट है, चैनल पर जितना ज्यादा देर तक बने रहोगे उतना ज्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। और ये हम लोग का चौथा, अभी बताइएगा कि इस सीरीज में चौथा वीडियो आ रहा है, और मैं बता देना चाहता हूँ कि हर एक यूनिट का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप मेरे चैनल पर जाइए, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिए, आप उस वीडियो में हर एक प्लेलिस्ट का वीडियो में किसी न किसी यूनिट का नाम दिया हुआ है। तो मैं बताऊंगा कि यदि कोई नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो क्लास 12th का अलग अलग यूनिट का वहां पे वीडियो आपको बना हुआ है, आप जाइए ज्यादा से ज्यादा देर तक देखिए। लेकिन बस एक चीज बताएंगे कि जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब करवा सकते हो अच्छा लगता है, ठीक है। एक दो और चीज सुन लीजिए कि क्लास 12th का मैंने एक वीडियो बना दिया था कि क्लास 12th के बाद क्या करना चाहिए, और इसके अलावा भी यदि आपको स्टूडेंट लाइफ में किसी सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, और यदि आप हमसे उस टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जरूर से जरूर बनाऊंगा, बिकॉज स्टूडेंट्स की मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। तो सेमीकंडक्टर बस थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं आपसे सेमीकंडक्टर के बारे, ये तो बस इंट्रोडक्शन क्लास है ना बच्चों। कंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में आएगा सेमीकंडक्टर। देखो कंडक्टर कहते हैं किसको, वैसे मटेरियल्स जिससे करंट इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है, दे आर कॉल्ड क्या, कंडक्टर, हिंदी में बोलते हैं सुचालक, और जिससे आपको करंट पास नहीं होगा दे आर कॉल्ड क्या, इंसुलेटर। आप अपने लेवल से सोच के जरा बताइए,
क्या लगता है कि क्या होता होगा सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर जैसे होता है सेमीफाइनल, फाइनल से पहले सेमीफाइनल, तो उसी तरीके से कंडक्टर होता है जिससे करंट पास होता है, कंडक्टर जिससे करंट पास नहीं होगा वो क्या इंसुलेटर। तो देन व्हाट अबाउट द सेमीकंडक्टर, आप अपने लेवल से समझिए, कोई सही आंसर देने का जरूरत नहीं है, जितना गलत आंसर दे सकते हो चलो कमेंट बॉक्स में बताओ, तो अपना सोच को बताओ कि तुम क्या सोचते क्या हो सेमीकंडक्टर को लेकर। हम कोई ये टेस्ट नहीं ले रहे हैं, ना कोई मार्किंग मिल रहा है, बस आपका सोच जानना है कि जिससे करंट पास होता है उसको कहते हैं कंडक्टर, और जिससे करंट पास नहीं होता है उसको कहते हैं इंसुलेटर। तो आप अपना लेवल से जरा हमको सोच के बताइएगा कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर, आपका इंतजार करेंगे कमेंट बॉक्स में। बस ये इंट्रोडक्शन था, सभी को बता दीजिएगा, चैनल का एकदम सीरीज स्टार्ट होगा, लेक्चर वाइज स्टार्ट होगा बहुत अच्छे से, ये चैप्टर 7 मार्क्स आपको एकदम बहुत आसानी से दे देगा। आप बस वीडियो जब तक अपलोड होगा तब तक बने रहिए और डेली बस देखते रहिएगा नॉलेज के लिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, ये इंट्रोडक्शन था, वैसे इंतजार करेंगे कि आपके नजर में सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन जानना है, तो अगले वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, आपके एवं आपके पूरे परिवार के उत्तम स्वास्थ्य की मैं मंगल कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, स्टे होम स्टे सेफ, चलते हैं।